हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं BTSC की तरफ से, जो कल रात से ही दिक्कत आ रहा था कि एक तो पहले पूरा दिन वेट करना पड़ा, वेट करने के बाद भी कल शाम के तक खुल रहा था लेकिन किसी का नहीं खुल रहा था। और काफ़ी लोगों ने चेक कर लिया था, पता चला था मोबाइल से खुल रहा है, नहीं खुल रहा, लैपटॉप पर खुल रहा है। लेकिन अभी जो है वो आप मोबाइल से भी खुल जा रहा है, लैपटॉप से भी खुल जा रहा है। फ़िलहाल मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, मैं भी बाहर ही हूँ तो मोबाइल पे ही करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से देखेंगे वेबसाइट में भी कुछ चेंजेस किया जाए। जैसे लेटेस्ट अपडेट पे आते हैं तो यहाँ से देखिए सबका अलग अलग लिंक कर दिया गया है, या फिर राइज ऑब्जेक्शन के लिए कि यहाँ देखिए बनाए गए हैं इस जगह पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्शन पोर्टल है, यहाँ भी आप क्लिक करते हैं तो जितने ऑब्जेक्शन चल रहे हैं, चाहे वो ITI का हो, ITI वाला देखिए दिया गया है नीचे, डिग्री डिप्लोमा अलग पेज पे है वो। नेक्स्ट पेज जाएंगे तो ITI वाला भी दिख जाएगा इसी में। अभी सब डिग्री डिप्लोमा का ग्रुप वाइज कर दी, मैं एक ग्रुप का आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। जैसे मैं ग्रुप 9 का चेक करने वाला, तो ग्रुप 9 यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर राइज ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिंपल आपको क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ में बहुत साथियों का दिक्कत हो रहा है, जैसे कि 5/5/2 है तो आपको 05 लिखना है। डेट ऑफ बर्थ क्या लिखना है, 05। और ये आप स्लैश दे रहे हैं, स्लैश नहीं देना है, स्लैश ना दे के डैश दे के 5/2 है तो 0 दे लिखे, ओनली 2 लिखिएगा तो आपका जो है वो फॉर्मेट एप्लीकेशन नंबर नॉट फाउंड बता देगा। तो यही सब गलती आपको जो है वो नहीं करना है। चलिए मैं यहाँ से इंटर करता हूँ सभी डिटेल्स, उसके बाद OTP आएगा तो देख लेते हैं। यहाँ से मैं एप्लीकेशन नंबर यहाँ इंटर कर दे रहा हूँ, एप्लीकेशन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ से 12। हाँ, इतना सभी करने के बाद आपको जो है जनरेट OTP पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक चीज़ लिख के आ रहा है, ये बहुत ध्यान देने वाला है। यहाँ कह रहा है कि यू हैव ओनली 2 अटेम्प्ट टू राइज ऑब्जेक्शन, OTP सेंड सक्सेसफुल। इसका मतलब ये हो जाता है, कई कैंडिडेट सोचेंगे कि 2 ही बार OTP होगा या फिर लॉगिन करने का मौका मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्शन आप जो है अधिकतम 2 बार कर सकते हैं, इसीलिए सावधानी पूर्वक करिएगा। कोशिश करेगा कि एक ही बार में ऑब्जेक्शन जो भी रहे, अलग अलग एप्लीकेशन है तो अलग अलग तो सबका होगा ही, एक एप्लीकेशन पर आपको जो है वो 2 अटेम्प्ट जो है वो ऑब्जेक्शन का कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए 2 अटेम्प्ट मिलेगा। OTP आपका जितना बार लॉगिन किए उतना बार आ जाएगा, लेकिन बिना मतलब के लॉगिन नहीं कीजिएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल्स ले लें क्या दिक्कत है, उसके बाद ही जो है आपको बाकी करना रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ OTP इंटर करके रेज ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। मैं यहाँ OTP इंटर कर दे रहा हूँ और यहाँ पर आपको रेज ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे डिटेल्स, यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान क्या देना है, किसी बिंदु से संबंधित यदि आपको आपत्ति है तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत यहाँ दर्ज करें पर क्लिक करें। आपत्ति दर्ज करने के पश्चात आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, सीधा बताया गया है। यदि आपके द्वारा अपलोड किए गए आपत्ति से उसे संबंधित अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। आपत्ति पूर्ण होने के लिए खंडिका 1 और 2 को पूर्ण करना अनिवार्य है। खंडिका आगे मिलेगा, आपत्ति देखिए बताया गया है डॉक्यूमेंट के बारे में। तो चलिए वो तो खैर अब हाइड हो गया, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है तो आपको एक बार दिखा दे। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था तो इसमें बताया गया है कि देखिए आपत्ति एवं दस्तावेज को अपलोड करने के पश्चात आपत्ति पूर्ण करने है तो नीचे दिए चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा और रेज ऑब्जेक्शन पर क्लिक करें। रेज ऑब्जेक्शन पर क्लिक करने के बाद टिकट नंबर प्राप्त करें। टिकट नंबर प्राप्त होने के बाद आपकी आपत्ति पूर्ण मानी जाएगी। बहुत कैंडिडेट पूछते हैं कि मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया पूर्ण हुआ कि नहीं, तो टिकट नंबर अगर मिल गया तो समझिए कि आपका जो ऑब्जेक्शन हो गया। आप 1 MB तक के दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ भी देखिए क्लियर बताया गया है कि आपके द्वारा अधिकतम 2 आपत्ति को दर्ज किया जा सकता है। चलते हैं आप देख लेते हैं कि आपत्ति कैसे दर्ज करना है। यहाँ से हम आ गए फिर क्रोम में, तो यहाँ देखिए इन कैंडिडेट का जो है वो CITS का मार्क्स नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब ये पहले जानना जरूरी है कि इन्होंने CITS किया है या नहीं किया है। तो इन्होंने CITS जो है वो नहीं किया है तो इनका मार्क्स तो जुड़ेगा नहीं, और भी कुछ रिमार्क नहीं दिया गया है। तो
ऐसा नहीं है कि आपको ऑब्जेक्शन नहीं करें। उसके बाद ऊपर में अब नाम वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग अपने नाम का स्पेलिंग चेक कर लेना है, नहीं तो काफ़ी ITI वालों में दिक्कत हुआ था। अपना नाम वगैरह चेक कर लेना है और आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर हो गया, अब फिर वही डिटेल्स आएगा है ना, और क्लोज करते ही फिर नाम वगैरह आएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से अब जो है वो डॉक्यूमेंट आपत्ति यहाँ दर्ज करें और यहाँ से है जो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करें। आपत्ति यहाँ दर्ज करें पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखने के लिए केवल आ जाएगा, क्या करना रहेगा, लिखने के लिए आ जाएगा और यहाँ से सेव हो जाएगा है ना, और यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो मुझे तो अभी फ़िलहाल इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो आपत्ति नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आप इसी तरह से करने के बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको जो है वो एक टिकट नंबर प्राप्त हो जाएगा। यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू आपको करना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।